हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत कहानी, भालू और मेंढक। चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोस्ती की कहानी आपको मनोहारी करेगी। एक गांव में एक दिन भालू और मेंढक एक दौड़ते हुए एक दूसरे से टकरा गए। दोनों को हल्की सी चोट लग गई, लेकिन फिर भी वे दूसरे बने और अच्छे दोस्त बन गए। भालू और मेंढक ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और शीघ्र ही उनकी दोस्ती गहराई में बढ़ने लगी। वे दोनों खेलते, हंसते और एक दूसरे की सीख सेवा करते थे। ये देखकर लोग उनकी दोस्ती से आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद एक दिन भालू ने मेंढक से कहा, मेरे पास यहाँ एक शानदार खेल खेलने का एक अवसर है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मेंढक ने बेतहाशा हाँ कह दी और उन्होंने एक साथ मजेदार खेल खेला। दोनों खूब मौज मनाने लगे और अपने दोस्ती को बढ़ावा देने लगे। एक दिन भालू अपनी दोस्ती का लाभ लेने के लिए शहर के पास एक मार्केट में चला गया। हालांकि जैसे ही उसने मार्केट में अपना खा लिया, उसे अपने दोस्त मेंढक की याद आई। उसने मेंढक के लिए फोन किया और उसे बुलाया। भालू और मेंढक अपनी दोस्ती की मिसाल बन गए। वे जो भी करते वो साथ में करते और एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहते। उन्होंने साथ मिलकर अनेक परेशानियों को सुलझाया और दोस्ती की महत्ता को समझाया। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों को समझना चाहते हैं और स्नेहपूर्ण घनिष्ठता की दोस्ती स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए और सफलता के लिए संयम बनाना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि दोस्ती हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और हमें उसकी कद्र करनी चाहिए।